प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश भर में पौधारोपण करने का आह्वान किया था। उसी दिशा निर्देशों के चलते कल सुबह 11 बजे विधानसभा शाहपुर के पंचायत करेरी के गांव बल युवक मंडल के युवाओं द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने देवदार का पौधा लगाकर पौधारोपण का शुभारंभ किया। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वनों को बढ़ाने का काम किया है और आगे भी पौधे लगाकर प्रदेश की हरी भरी भूमि को बचाना हमारा धर्म है। युवक मंडल बल के युवाओं ने लगभग 50 पौधे रोपे। पठानिया ने युवाओं को प्रेरित किया कि पंचायत में पौधे लगाने के लिए हर सदस्य को जागरूक करें, जिससे हमारे इलाके की हवा पानी शुद्ध रहे। पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने बल गांव के लिए सड़क और गतली गांव के लिए बिजली का ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 2.5 सालों में जो बल गांव की सड़क 500 मीटर बची है उसको भी पूरा नहीं कर पाई और गतली गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर को भी नहीं लगा पाई। आज गतली बिजली और बल गांव सड़क से वंचित है। पठानिया ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि जो बल गांव के लिए 500 मीटर सड़क बची है उसको जल्द बनाए और गतली गांव के लिए जो ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया गया था उसको जल्द स्थापित करके जनता की बिजली की समस्या को दूर किया जाए। पठानिया ने कहा कि अगर शाहपुर हल्के की जनता का आशीर्वाद मिला तो इस धारकंडी क्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से संवार कर रहूंगा। इस अवसर पर युवा मंडल प्रधान रिंकू बिहान, मनोज प्यारेलाल, कुलदीप, सुनील कुमार, देवेंद्र देशराज, सम्मी बंटी, विक्की, अक्षय महेश, संतोष कुमार, सूरज कुमार आदि युवा मंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बल युवा मंडल द्वारा आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत केरेरी के बल गांव में रखा था। यहां लगभग 50 पौधे हमने वृक्षारोपित किए और साथ में देवदार का पौधा यहां लगाया। जहां तक वन और पर्यावरण को बचाने की बात है, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का उसमें जो है हमेशा योगदान रहा है और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के वन अधिकारियों को धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से जो है उन्होंने हमारे जंगलों को बचा के रखा है और वीरभद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे जिन्होंने वन कटान पे यहाँ बयान लगाया। और खासकर बल गांव में मैं आपको बता दूं, लंबे समय से इनकी जो एक मांग थी सड़क की, जो पूर्व में सरकार राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी वो नड्डी से लेके बल तक का रोड दे गई थी, लेकिन आज 500 मीटर का रोड जो बचा हुआ है मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जरूर बात करूंगा कि इस रोड को भी पूरा किया जाए। पैसे का प्रावधान पिछली सरकार जो है इस गांव के लिए कर गई थी, ट्रांसफार्मर की सैंक्शन कर गई थी, बिजली के एक्शन को मैं कहूंगा कि उसको भी जल्दी से जल्दी स्थापित यहां की जाए और निकट भविष्य में जब भी माता गुणा का आशीर्वाद हमारे को मिलेगा तो हम जरूर इस इलाके को पर्यटन की दृष्टि से, मैं कहता हूँ यहाँ बल करेरी और गतड़ी ये सारे इलाके हैं पर्यटन की दृष्टि के जो आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में भी ये रोड हमने निकाली और निकट भविष्य में हम चाहेंगे कि बल से जो है नीचे गतड़ी हुई, होती हुई, रावा और वॉन्ट हुई ये सड़क पहुंचे। ये हमारी आज माता के इस प्रांगण में जहां हमने वृक्षारोपण लिया है ये हमने शपथ ली है।